मुझे होश में मुझे मुझे है ना मनीष पॉल जी, आई थिंक ही इज लाइक द बेस्टेस्ट होस्ट इन द होल वर्ल्ड जी। लेकिन आज आप होस्ट कर रहे हैं, काफी लोग डर भी रहे हैं कि आज कौन निशाने होगा। अरे कोई निशाने पे नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि सारों के निशाने पे मैं ही रहूंगा। मुझे इंग्लिश सी जी ने बहुत अच्छा काम किया जी। लास्ट टाइम अवार्ड फंक्शन में वैलेंटाइन डे गया था सर, आपने कुछ बनाया सर, कैसा था आपका दिन? मैंने वैलेंटाइन डे हाँ यार आपकी तबीयत के बारे में वहाँ पे थे ना अभी मेरी तबीयत के पीछे क्यों पड़े हो यार? अच्छा खासा हट्टा कट्टा पुष्ट नौजवान हूँ। नर्वस कैसे हो सकते हैं सर? नर्वस सर हर एक नर्वस होता है यार, फर्स्ट टाइम में नर्वस नहीं होता कभी, फर्स्ट टाइम में। Salman, all these years you have been hosting an award show. What brought about the change of heart? I don't know. I would just, I said, do it. So I said, chalo, kar lete hain, dekhte hain kaisa hota hai. It's a very difficult thing to do. बहुत सारा याद रखना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना पड़ता है, फिर कभी कभी बहुत सारा सुनना पड़ता है करेक्टली, और फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा कैरिड अवे भी नहीं हो सकते, यू नो, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमर जाते जाते कहीं थोड़ा सा बिलो द बेल्ट वो नॉर्मली हम एक्चुअली देखते हैं अवार्ड्स नाइट में, ज्यादातर होस्ट कोई सारे इंडस्ट्री में से किसी ना कोई तो निशाने पे रहता है जी। हाँ, के, तो जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि निशाने पे मैं ही रहूंगा सबके, मेरे भी और बाकी सबके भी। बाकी नहीं तो थोड़ी यार, आपने बिग बॉस और 10 कदम भी देखा है, कभी कोई निशाने पे रहा ना? ना और बेस्ट है कि अगर निशाना नहीं बनना है तो टारगेट के पीछे खड़े रहो। एक्टर्स भी जो होस्ट करते हैं जैसे यू नो रिसेंटली सैफ एंड शाहरुख, दे ऑल यू नो देयर सो मेनी पीपल हु कीप दे डू अ डैम गुड जॉब, आई थिंक दे उनकी टाइमिंग निशाने पे हमेशा रहते हैं मगर रियली। हां अभी हाल ही में उनके फिल्म में थे, आपका नाम आया था जब तक है सलमान खान का। रियली? अच्छा तो फिर थैंक यू, बता दिया आपने बता दिया सर, कुछ तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। वाह वाह वाह, कुछ करना पड़ेगा आज। पांडे आज साथ में होस्ट करने वाले हैं एंड आई एम श्योर काफी मजेदार होगा। जी कौन रहेंगे? आई थिंक अक्सर ऑफन ये देखा गया है कि मैं ही निशाना बनी हूँ, तो आज भी शायद यही होगा, बट बहुत ही मजेदार तरीके में एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल। बहुत मजा आता है, लोगों को मजा आता है एंड आई नो हाउ टू टेक अ जोक ऑन माई सेल्फ। सलमान ये आप उनसे ही पूछो, मुझे मत डालो बीच में। अर्शद वारसी और बमन रानी भी एक सेगमेंट कर रहे हैं जी, बोले थे दोनों मतलब वकील बनने वाले हैं सलमान के, एक शादी कराना चाहेगा, शादी नहीं कराना चाहेगा। हाँ, आप किसकी साइड पे रहेंगे? मैं किसकी साइड पे? मैं न्यूट्रल साइड पे रहूंगी, तो डोंट आस्क मी, बट आई थिंक अब न्यूट्रल करना है या नहीं करना है, हाँ करना है या नहीं करना है, तो मतलब जो भी डिसीजन हो ठीक ही होगा ना।